नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपको स्वागत है। दोस्तों, कल मोदी कैबिनेट ने जो यूपीएसएन की यूनिफाइड पेंशन स्कीम उसको अप्रूवल दे दिया और अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगी। इसमें विकल्प दिया कि एनपीएस वाले कर्मचारी इसमें आना चाहें तो आ सकते हैं, नहीं तो नहीं, और राज्यों को स्वतंत्र छोड़ा है। तो यूपीएस के ये जो पाँच पिलर हैं जो वैष्णव जी केंद्रीय मंत्री उन्होंने बताया था, तो हम एक एक करके उस पिलर को समझेंगे, उन्हीं पर बात करेंगे। और यह पेंशन कर्मचारी को मिलना है, इसलिए प्रत्येक कर्मचारी को, देश के समस्त जो एनपीएसधारी कर्मचारी, उनको यह महत्वपूर्ण जानकारी होना चाहिए। एक एक पिलर की जो पीपीडी चला करके वैष्णव जी समझा रहे थे, उस पूरा पीडीएफ हम देखेंगे, समझेंगे, और जो पांच पिलर हैं उनको जो ऐसा समझाया उसके आधार पर जो लिखा है उसको समझेंगे, और उसके विषय में विस्तार जानकारी जब इसका पूरा रैंडम आ जाएगा उस पर फिर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अभी ये पाँच पिलर से देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम UPS यानी कि जो अभी यूनिफाइड पेंशन सिस्टम योजना को मंजूरी मिली है कल मोदी कैबिनेट में, उस पर चर्चा करेंगे। इसके जो वैष्णव जी केंद्रीय मंत्री थे, पांच पिलर बता रहे थे, ये आप देख सकते हैं। पहला पिलर, दूसरा पिलर, ये तीसरा पिलर, ये चौथा पिलर है, और ये अंत में पांचवा पिलर है। इन्हीं पाँचों पिलरों पर हम बात करेंगे कि इनमें कर्मचारियों को क्या क्या इन पांच पिलर के माध्यम से लाभ दिया गया है, किस प्रकार से पेंशन योजना उनको दी जाएगी। तो दोस्तों, आप इंग्लिश में, जो इंग्लिश भाषी हैं वो तो इंग्लिश में अच्छे से समझ ही जाएंगे, और जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको समझने में दिक्कत आएगी, तो हम इसका थोड़ा हिंदी कन्वर्सन कर देंगे, और वो भी गूगल से करेंगे। गूगल सरमान है, यानी कि यूनिफाइड है वो भी, तो गूगल से इसका हमने जो है हिंदी वर्जन कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं पहला पिलर। तो पहला पिलर लग रहा है कि सुनिश्चित पेंशन है, यानी कि इस पहले पिलर के माध्यम से गारंटीड आपको पेंशन मिलेगी। अब इसमें शर्त ये रखी गई, 25 वर्ष की न्यूनतम आरएक्स सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% और न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक कम सेवा की अवधि के लिए अनुपातिक, तो उसका भी हम एक देखेंगे। तो यहाँ ये बताया गया है कि आपको गारंटीड पेंशन मिलेगी यदि आपकी जो क्वालिफाई है इसमें सेवा 25 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिए। 25 वर्ष से कम होगी तो फिर वो आपको अनुपातिक रूप में दी जाएगी। यहाँ हम बात करें, जैसे मान लीजिए आपके पूरे 25 वर्ष हो गए, अब आप रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो लास्ट के 12 महीने आपके निकाले जाएंगे, यानी कि मान लीजिए जो आप 2026 में रिटायर होने वाले हैं, तो 2025 से आपके वो 12 महीने की गणना की जाएगी। उनका जो सैलरी है, जैसे आपको पता है हर 6 महीने में आपका डीए बढ़ता है, तो यानी कि उस 12 महीने में आपका दो बार डीए बढ़ जाएगा, तो उस एक महीने से लेकर 12 महीने की जो सैलरी होगी उसका औसत निकाला जाएगा, जो आपका रहेगा उसका आपका 50% आपकी पेंशन बन जाएगी, उस पर फिर डीआर अलग से आपको जो पेंशन को मिलता वो दिया जाएगा। और यहाँ पे न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक की जो अवधि उसमें आनुपातिक रूप से निकाला जाएगा, तो वो भी इसमें दिया है, तो उसको भी हम समझेंगे कि 10 वर्ष की सेवा के बाद से आपकी जो है पेंशन की गणना शुरू हो जाएगी। क्योंकि कोई कर्मचारी 10 वर्ष बाद होगा तो कोई 11 में 12 में ऐसे करके 11 से 10 से गिनती शुरू होगी 25 तक, कोई 15 वर्ष की सेवा अवधि के बाद रिटायर होगा तो उसको कितनी पेंशन मिलेगी, कोई 19 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 23 24 वर्ष में भी होगा, तो इसके संबंध में जो है 10 वर्ष की सेवा के बाद जो है उसकी गणना फिर शुरू हो जाएगी, वो भी हम चर्चा करेंगे। अब आप देखें दूसरा पिलर है कि सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन 60%। यहाँ ये कर दिया कि जैसे मान लो कर्मचारी नौकरी कर रहा है, ठीक है, उसको सैलरी मिल रही है और रिटायर्ड होगा तो पेंशन मिलेगी। अब यदि नौकरी करते करते उसकी मृत्यु हो जाती किसी भी कारण से, तो उसके जो परिवार को मिलना है वो उसके परिवार को 60% पेंशन मिलेगी, यानी कि जो सैलरी मिल रही है उसका 60%। मान लीजिए उस समय वेतन आपकी 50% है, तो इसका 50,000 है तो इसका 60% मिलेगी। तो इस प्रकार से ये आपके ना रहने के बाद भी परिवार को पेंशन दी जाएगी, एक अच्छा है। तो तीसरा पिलर आप देखें, इसमें दिया कि सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, यानी कि आपको इसमें भी न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है कि 10 वर्ष की सेवा आप दी, यानी आपने कर लिया उसके बाद रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो आपको 10,000 प्रतिमा की दर से जो है पेंशन मिलेगी, फिर यहीं से आपकी जो है गणना शुरू होती चली जाएगी। मान लीजिए आपके 10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष होने के बाद अब जैसे आप 11 वर्ष में प्रवेश करेंगे, तो अब आपकी अनुपातिक जो पेंशन है उसकी गणना शुरू हो जाएगी, और अब आप जब रिटायर्ड होंगे तब फिर आपको पेंशन मिलेगी, तो यहाँ से गणना शुरू हो जाएगी। तो दी आपकी 10 वर्ष न्यूनतम सेवा रहती है, तो इसमें आपको 10,000
जो आपका बेसिक सैलरी है वो रहेगी, और उस पर फिर आपका डीआर वगैरह मिलना, तो अगर आज के हिसाब से देखें तो लगभग 14 से 15 हज़ार के बीच में पेंशन मिलने वाली है, लेकिन ये लागू होगी उसके बाद ही। तो दोस्तों इसमें सबसे गलत बात ये है कि जो व्यक्ति 9 साल पहले ही रिटायर्ड हो रहा है, 9 साल की सेवा करने, उसको कुछ नहीं मिल पाएगा यहाँ पे, उसको कोई जिक्र नहीं है अभी। और इसके मेमोरेंडम आना, उससे क्लियर हो पाएगी जानकारी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी बेकार बेकार स्थिति है कि जो शिक्षक अध्यापक है उनकी 2018 में वापस से नियुक्ति हुई है, और IFMIS जो पोर्टल है उस पर ये दर्ज है। अगर इससे गणना करेंगे तो बहुत से शिक्षक हर साल हर वर्ष रिटायर्ड हो रहे हैं, तो उनकी यानी कि 18 में हुए हैं, 19 में भी रिटायर्ड हुए हैं, 20 में भी हुए हैं, 21 में हुए, आप 24 में, यानी कि उनकी 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, क्योंकि अभी ये UPS लागू नहीं हुई और ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई। जब 25 से लागू होगी तो इसके पहले जो रिटायर्ड हो गए हैं उनका क्या होगा, तो ये इसका पूरा मेमोरेंडम आएगा तब पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बाकी जो 26 में 27 में रिटायर्ड होंगे तो उनको 18 से सेवा अवधि जोड़ेंगे तो उनको लगभग 5 6 7 साल 8 साल हो जाएंगे, तो उनको फिर क्या मिलेगा, तो ये भी क्लियर इसमें नहीं हुआ है। चलिए अब चौथा पिलर देखते हैं। चौथा पिलर ये है कि मुद्रा स्फीति सूचकांक, यानी कि सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर, औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि AICPI इंडेक्स के आंकड़े होते हैं उस पर आधारित महंगाई राहत, यानी कि DR आपको दिया जाएगा, पेंशन जो मिलेगी उस पर, जैसा कि सेवा कर्मचारियों के मामले में होता है उनको DA दिया जाता है। तो ये एक गारंटी हो गई, यानी कि आपको अभी NPS में क्या था, NPS में मार्केट के हवाले पेंशन थी और उसमें शेयर मार्केट के आधार पे थी, और उसको जैसे आपको 9 हज़ार बन गई तो वो 9 ही मिलेगी, बढ़ना नहीं था। इसमें ये अच्छा कर दिया कि जो अभी सेवानिवृत्त कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी को DA मिलता है और DR मिलता है सेवानिवृत्त कर्मचारी, तो आपको भी जब पेंशन मिलेगी उसमें DR मिलेगा, ये एक इसमें प्लस पॉइंट है। पांचवा अंतिम पिलर देखें आप, सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुटी के अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान, यानी कि यहाँ ग्रेजुटी का भी उन्होंने दिया कि आपको ग्रेजुटी भी मिलेगी। अब क्या है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक प्रलब्धियों पर जो कि DA प्लस वेतन प्लस DA का एक यानी कि 10वां भाग हुआ, यानी कि आपने मान लीजिए इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा, ये कैसे क्लियर होगा, ये इसका जो आदेश या जो भी मेमोरेंडम आएगा उससे ही हो पाएगा, इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी, यानी कि इन्होंने नीचे ये भी लिख दिया है। जैसे कि अपन इसके जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से अगर अपन समझें तो मान लीजिए आपकी 25 साल की सेवा होती है और ये लिख रहा है पूर्ण 6 महीने, यानी कि 6 6 महीने के करके 50 आपके ये पूर्ण 6 महीने होते हैं, इसका जो भी मासिक प्रलब्धि होगी, इसका जो भी आंकड़ा निकाला जाएगा उस पर जो आपकी बेसिक सैलरी और प्लस DA उसका 10वां भाग आपको इसमें ग्रेजुटी मिलेगी। अब मान लीजिए 50 आपके 25 साल की सेवा में 50 आपके 6 6 महीने के जो स्लॉट पूरे हो रहे हैं उस 50 स्लॉट में किस प्रकार से ये निकालेंगे ये स्पष्ट इसमें नहीं हो पाता। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पूरे 5 पिलर थे, हमने आपको बता दिए। इससे पहले हमने जो वैष्णव जी थे वो खुद समझा रहे थे, उनकी लाइव वीडियो भी डाला था। चलिए दोस्तों वो आपको बता देते कि 10 साल सर्विस और 25 साल सर्विस के बीच में किस प्रकार से आपकी पेंशन को बढ़ाया जाएगा। चलिए अब संभावित जो UPS में पेंशन बनेगी वो आप समझ रहे, 10 साल या उससे कम सेवा होने पर आपको 10 हज़ार आपकी वेतन पेंशन हो जाएगी और प्लस DA रहेगा, यानी कि DR। 11वें साल में 22% का बेसिक प्लस DA, यानी जो आपकी सैलरी रहेगी 11वें साल में उसका 22% आपकी पेंशन बनेगी, बेसिक सैलरी आपकी पेंशन और फिर DA। 12वें साल में 24, यानी 2 2% यहाँ आपका बढ़ता जा रहा, आप देखते चलें जो भी आपकी सर्विस होगी, आपको पता होगा कि आपकी रिटायरमेंट डेट क्या है, किस सन में आप हो रहे हैं, तो कितने आपकी सेवा को वर्ष हो रहे हैं, तो आप जोड़ते चलें 30 वर्ष में 30 साल की सेवा होगी तो 30% उसका बेसिक पर DA, फिर 16 17 18 2 2% आप बढ़ाते चलें, 40 42 यदि आपकी 22 साल की हो रही तो आपको 44% जो आपकी सैलरी होगी उसका पेंशन बनेगा बेसिक प्लस DA। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 25 में आपकी 50% बेसिक और 25 साल से अधिक होते हैं तो 50 और पैसे बने, ये आपकी गणना हो गई संभावित पेंशन की। दोस्तों इस पर अपने विचार सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।